हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है। तो मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो देखो, सबसे पहले आपको आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें टोटल चैप्टर 16 है। सो इसका मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है और कौन से चैप्टर को कब स्टार्ट करना है। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एकदम सिंपल तरीके से हमारे पास जो 16 चैप्टर है उसमें ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये अपने को पता है क्या कहता है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इसमें ये क्या कहते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का है। मार्क्स विद ऑप्शन, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप चैप्टर को खोल के देखोगे तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और लेंथी है। और सेकंड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स आपको समझता है, तो ये फ्लूइड्स का अगर आपको नॉलेज है तो ये भी 5 नंबर का है, 7, ठीक है। फिर इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं KTG, 5 नंबर का है, 7 नंबर। थर्मोडायनेमिक्स 5 नंबर, 7 नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ इन चारों में से आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर को करना है। सबसे पहले आपको करना है थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि एक तीर से बच्चा दो शिकार हो जाएगा। दो शिकार का मतलब क्या बेटा? थर्मोडायनेमिक्स अपने को केमिस्ट्री में भी है, वहां पर भी चैप्टर नंबर 4 ही है। सो जब आप इसको यहां पे प्रिपेयर करोगे तो वहां पर का भी काम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स को करो। फिर इसके बाद ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। फिर इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जब आप वेव्स करोगे तो उसी के साथ वेव ऑप्टिक्स भी कर लो, ये यहां तक। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब मैं आपको बताता हूं मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। मेरी स्ट्रेटेजी कैसी है कि अगर मैं इस 7 चैप्टर्स की बात करूं वेव ऑप्टिक्स तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले तक, तो मैं आपको बताता हूं रोटेशनल डायनेमिक्स को हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बड़ा चैप्टर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। तो जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स अपना 5 नंबर का चैप्टर क्लियर हो गया ना, फिर हम लोग जाएंगे KTG पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। और अपने को पता है फ्लूइड्स भी रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, KTG की फ्लूइड पहले फ्लूइड करेंगे फिर KTG। तो जैसे ही अपनों ने फ्लूइड कर लिया, KTG कर लिया, तो लाइंस अपने 3 हो गए, समझा आपको। फिर इसके बाद हम लोग वेव्स पे जाएंगे और वेव ऑप्टिक्स पे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑसिलेशन और रोटेशनल डायनेमिक्स को छोड़ेंगे। देखो, चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके करो। और मेरे इस वीडियो के अंदर आपको देखिए, यहाँ पर जो चैनल है हमारा, इसमें प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप उसके वन शॉट्स देखो, वन शॉट्स देख लोगे ना CT वाले पर, आपको काम आपको ये पता चल जाएगा कि है क्या एक्चुअली में। आप डायरेक्ट करने जाओगे नहीं हो पाएगा, समझे ना आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये छोटे छोटे चैप्टर है, 4 4 4 4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 नंबर का, AC सर्किट है 4 नंबर का। फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर है 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर 4, सेमीकंडक्टर डिवाइस 4। तो एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर करो सबसे पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, फटाक से हो जाएगा, समझा आपको। सेमीकंडक्टर करने से फायदा क्या होगा सर? सॉलिड स्टेट में भी सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक है, इंडक्शन कंडक्शन, समझ रहे हो? सो एक तीर से दो शिकार करो, रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ो, पहले ये कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल बहुत इजी चक्कर है, ये कर लो। मैग्नेटिक के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा सा हार्ड जाएगा, फिर भी करो। अगर AC सर्किट वर्किट, आपको सर्किट वर्किट देख के कुछ तो थोड़ा आइडिया आता है, थोड़ा डायग्राम वाइग्राम के थ्रू पता है, तो ये सब करो। करना क्या है, मैंने आपको सिंपल बताना कि आपको 1 2 3 इधर पे आपको 4 5, तो अगर आपने 5 चैप्टर कर लिया तो यार मार्क्स कैलकुलेट कर लो इनके, देख लो 5 4 9। फिर उसके बाद वापस से 5 14, फिर उसके बाद वापस से 5 14 15 16 17 18 19, फिर वापस से 5 20 21 22 23 24, 24 मार्क इधर हो गए, ओवरऑल 25 पकड़ लो, 25 मार्क इधर, 25 प्रैक्टिकल, 50 ऐसे ही पास हो गए खाली पेपर वन पढ़ के। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको पहले पेपर वन पे थोड़ा सा सब पकड़ बनाओ, और पेपर टू में उठाते समय नीचे से उठाओ, देखो सेमीकंडक्टर उठा लो, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेटिक मटेरियल उठा लो, मैग्नेटिक मटेरियल के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे आ जाओ, समझ पा रहे हो? करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी इजी है, कुछ तो कभी ना कभी तो इस चैप्टर के बारे में कहीं ना कहीं लेक्चर अटेंड किया रहेगा ना, थोड़ा बहुत पता चलता है ना। वेव ऑप्टिक्स यार एकदम चैप्टर एकदम बकवास, इसको करो ही मत। करना है तो फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव और वेव ऑप्टिक्स दोनों एक साथ करो, ऐसे एक मत करो, क्योंकि वेव और वेव दोनों रिलेटेड है। करना है तो दोनों एक साथ करो, समझ रहे हो? ये दोनों करो या फिर ऑसिलेशन करो, ऐसा करो। देखो प्रॉब्लम क्या है,
अगर आप ये करोगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव तो आपको वेव ऑप्टिक्स भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रिलेटेड है, और अगर ये दोनों नहीं करोगे एक ही करना है तो मत करो, ऑसिलेशन करो डायरेक्ट, समझ लो। रिलेटेड चैप्टर करना तो रिलेटेड करो एक साथ। अब मैं आपको आगे की कुछ चीजें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जान लेना चाहिए कि आपके पास ये चैप्टर है, इतने इतने चैप्टर से, ये चैप्टर इतना इतना बड़ा है, इसके अंदर इतना इतना है। तो इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सिंपल मैं ये बताता हूँ कि आपको जो भी लॉज है ना, लॉज कभी चेंज नहीं होता, लॉज के जो डेफिनेशन होते हैं वो कभी चेंज होते नहीं। तो सिंपली मेरे प्यारे बच्चों आपको लॉज को ना एक पूरा का पूरा एक पेपर पे लॉज लिख लो कि अरे हाँ ये चैप्टर में ये लॉ है, ये लॉ है, इसको पूरा का पूरा लॉ लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद लॉ एक बार आपने लिख लेना तो उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन से फॉर्मूला निकल के वो लिख लो पूरे के पूरे पेपर पे उस चैप्टर के। ये तरीका है नंबर टू। नंबर थ्री, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपको फॉर्मूला पता चल गया ना, दोनों भी पता चल गया कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, तो सिंपल उन दोनों को मिला करके क्वेश्चन पे अप्लाई करना, क्वेश्चन को अप्लाई करना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में याद आएगा, और जब आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको पता है कि कैसे कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूला लगाना है, और तो उस फॉर्मूले को आप लगाओगे और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे। आप खाली कॉन्सेप्ट पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही खाली फॉर्मूला, यू हैव टू डू बोथ, तब जाकर के होगा, समझ पा रहे हो प्रॉब्लम। अब देखो फिर पेपर देखते आप डरो मत, जैसे आप पेपर देखते तो आप डायरेक्ट डर जाते हो कि यार क्वेश्चन पेपर आया, डायग्राम आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा डरो मत, रिलैक्स हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, देखो गैस करो कौन से टॉपिक का है, कौन से कॉन्सेप्ट का है, इसका फॉर्मूला मेरे को याद है क्या, वो फॉर्मूले को लगाओ, डिजिट्स को सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो अक्सर गलती करते ही है, मैं एक्चुअली देख ही रहा हूँ गलती करते, वो बाहर करते रहते, अरे बाहर नहीं करना है बच्चा, बाहर तो पूरी दुनिया कर रही है। आप जब एक बार बाहर किया ना आपने, जो भी आपने बाहर किया उसको एक बार लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, समझे मैं क्या करो, कुछ भी पूछो कैसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा मत करो ये गलती कर रहे हो। 10 पेज है ना, 2 पढ़ो पर जान लगा के पढ़ो या तो जाने दो, और लिख करके प्रैक्टिस करो। आपका प्रेजेंटेशन स्किल एकदम अच्छा होना चाहिए, देखो ऐसे पूरा एकदम पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में फॉर्मूला, फिर उसके बाद सॉल्व करने का अच्छी तरीके से, समझ में आ गया रहेगा आई होप सो आपको। अब यही सारी चीजें बताने के लिए 50-55 मिनट आपके नहीं लूंगा मैं, समझ रहे हो आपने क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, इस बात को आप ध्यान से समझो। फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड है पहले से सबको पता है भाई, मैंने सिंपल मेरा स्टोरी बताता हूं, मैंने एकदम एक काम किया था, मैंने पेपर 1 अच्छे से पढ़ लिया था, और पेपर 2 में मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करके गया था, और मेरा फिजिक्स अच्छा गया था। वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले सिलेबस को जानिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसको एक पेपर पे लिखिए, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूलास को लिखिए, डेरिवेशन से तो उनको प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो, और थोड़ा थोड़ा मत पढ़ो, थोड़ा 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 सब थोड़ा थोड़ा, ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट में जब आप देखोगे ना तो आप बोलोगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है, आप 12वीं का पेपर पहली बार देने जा रहे हो, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत बार दिया है, मेरे सामने बहुत सी बैचेस जाती है आती रहती है, तो मैं आपको मेरा उनका और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि प्यारे बच्चों आपको कुछ ही चैप्टर पढ़ो पर जान लगा के पढ़ो, उसको एकदम परफेक्ट पढ़ो, उसमें रिवीजन करते हुए चलो, फिजिक्स की खासियत ही है ये। सो मैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए राधे राधे, जय महाराष्ट्र। और मार्किंग स्कीम की ये जो टेबल है ये आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिखेगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना, आपको सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की पढ़ाई आई होप आपकी अच्छी चल रही है, तो आपको फिजिक्स को अपने हिसाब से चलाते हुए चलना है। बच्चे में से पूछते हैं अक्सर कि सर फिजिक्स में क्या करूं, तो मैं उनको 3 सजेशन दूंगा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, समझो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है उसको समझो, फॉर्मूला डेरिवेशन से आया तो डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करो तब आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया, फॉर्मूला लिख के लिख लिया, सीधी सी बात है तीनों को मिला दो कहां पर, एक क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा यार, मुझे आप पर और आपके सपनों पर भरोसा है, और ये जरूर एक दिन पूरे होंगे, और किसी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि पता है ना जो जिन पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर डैश डैश डैश। सो मेक श्योर आप खुद पे भरोसा रखो, खुद को ट्रस्ट रखो, और खुद के भरोसे खुद से बढ़ो, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने आपको दिया हुआ है
हमारे राहुल सर ने पढ़ाया है, आप जा करके उसके बाद चेकआउट करो, आपको केटीजी वे ऑफ पी सब दो दो घंटे के अंदर पूरा का पूरा समराइज मिल जाएगा, एक बार देख लो उनको, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि चैप्टर है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, पेंडो वेंडो सब कुछ बताया उन्होंने, ठीक है? बबल अबल ड्रॉप ऑफ सब कुछ बताया, ठीक है? चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज मी योर अभिषेक सर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री, इफ हैव आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कर दो यार सब्सक्राइब, चलो बाय बाय, टेक केयर।